हेलो बच्चों, हम सीखेंगे हाउ टू मेक केमिकल फार्मूलाज इन केमिस्ट्री। इसके लिए सबसे पहले आपको 20 एलिमेंट्स याद होने चाहिए और वो जो 20 एलिमेंट्स हैं वो नंबर वाइज याद होने चाहिए, तभी आपकी वैलेंसी याद होगी। साथ में आपको वैलेंसी लर्न करनी होती है। अगर आपको 20 एलिमेंट्स और वैलेंसी याद है, इसके बाद इसके अंदर थर्ड स्टेप आता है, आपको एक टेबल लर्न करनी होती है जो मैं आपको अभी सिखाऊंगी। जब आपको ये तीनों चीज़ें याद हो जाएंगी तो इनका कॉम्बिनेशन बनेगा आपका हाउ टू मेक ये केमिकल फार्मूलाज इन केमिस्ट्री। तो देखिए, इसमें आपका है, पहले हम लेते हैं सोडियम। तो ये क्या हो गया, Na। मैंने लास्ट स्लाइड में कराया, Na की वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है और 1 पॉजिटिव। देन आपका है पोटेशियम, ये इसको के इसका सिंबल है और ये भी 1 होता है, ठीक है। सिल्वर, क्योंकि आपके 20 एलिमेंट्स के अंदर भी ये कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नहीं आते, जैसे सिल्वर 20 एलिमेंट्स के अंदर नहीं आती है और इसका सिंबल होता है Ag और इसका +1, मींस इसकी वैलेंसी क्या हो गई, +1। कॉपर, यहाँ पर देखिए कॉपर फर्स्ट है तो कॉपर का सिंबल होता है Cu और इसकी वैलेंसी 1। जब कॉपर सेकेंड लेंगे तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, ये तो सारे हो गए हमारे जिसमें हमारा वैलेंसी कितना है, 1। अब 2 वैलेंसी वाले लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम, तो ये मैंने उधर 20 एलिमेंट्स के अंदर सिखाया था, 12 नंबर पे आता है, तो ये 2 पॉजिटिव हो गया और इसका सिंबल क्या हो गया, Mg 2 पॉजिटिव। इसके बाद है कैल्शियम Ca 2 पॉजिटिव, 20 नंबर पे आता है कैल्शियम। देन आपका है जिंक की भी क्या होगी, Zn 2 पॉजिटिव। देन आपका आयरन सेकंड है तो Fe आयरन का सिंबल होता है और 2 पॉजिटिव। देन आपका है कॉपर का सिंबल Cu, लेकिन ये कॉपर सेकंड है तो बैलेंसी हो जाएगी Cu और 2 पॉजिटिव। इसके बाद आता है आपका जिनकी बैलेंसी 3 है, तो एल्यूमिनियम, ये आपका 13 नंबर पे आता है, 3 पॉजिटिव। मैंने लास्ट स्लाइड में आपको कराया है जहाँ पर मैंने 20 एलिमेंट्स लर्न करने के लिए कहा है आप लोगों को, तो इसकी बैलेंसी हो जाएगी 3 पॉजिटिव। आयरन थर्ड है, आयरन का फॉर्मूला Fe और बैलेंसी 3 पॉजिटिव, ठीक है। अब इसके बाद ये तो थे आपके कुछ आयन्स, अब हम करेंगे नॉन मेटल मतलब जो हमारे गैसेस फॉर्म में पाए जाते हैं उनकी वैलेंसी हम करेंगे। हमारे हो गए ये, अब हम करेंगे नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स कौन से हैं और उनकी वैलेंसी जो हमें फॉर्मूलाज यूज़ करने के लिए चाहिए होते हैं मोस्टली। तो आपका हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, H पॉजिटिव, 1 वैलेंसी। हाइड्राइड, ये आपने नहीं पढ़ा 20 एलिमेंट्स के अंदर, इसकी H होगी लेकिन नेगेटिव। क्लोराइड Cl, ठीक है, और इसका नेगेटिव। ब्रोमाइड Br नेगेटिव, और उसके बाद आयोडाइड मतलब आयोडीन नेगेटिव। देखो यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व करने वाली है, जो हमने ये नॉन मेटल्स लिए, नॉन मेटल्स आर जनरली फाउंड इन गैसियस फॉर्म्स, तो जो ये गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं, आपका जो हाइड्रोजन एक यूनिक केस है, वो ले भी सकता है, वो दे भी सकता है। आप 10th क्लास में पढ़ोगे कि कार्बन के साथ मिलकर के बहुत लंबी बहुत स्ट्रॉन्ग चेन बना लेता है, तो ये शेयरिंग कर सकता है, जो आपका हाइड्रोजन है बहुत लंबी चेन बना करके शेयरिंग कर लेता है। लेकिन बाकी के सारे आपने नॉन मेटल्स देखे होंगे, सबकी वैलेंसी नेगेटिव है, क्योंकि जनरली नॉन मेटल्स को स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना पड़ता है, किसी और से इलेक्ट्रॉन्स लेकर के ये क्या करते हैं, खुद को स्टेबल करते हैं। इसके बाद है आपका ऑक्साइड, ऑक्सीजन का 2, सल्फाइड, सल्फर की 2। अभी ये सल्फाइड है ये, अभी हम इसमें पढ़ेंगे सल्फाइट और सल्फेट, उनके फॉर्मूलाज अलग होते हैं। नाइट्राइड, तो N की हमारी कितनी हो गई नाइट्राइड में, N की 3, ओके। अब इसके बाद हम देखेंगे पॉलीएटॉमिक आयंस
पॉलीएटॉमिक आयंस, उनके सिंबल और उनकी वैलेंसी। अमोनियम एन एच, यहाँ प्लस और ये फोर, मीन्स एन एच जो है यहाँ पर प्लस में है, कोई वो नहीं दे रखा, डिजिट नहीं दे रखा, कोई नंबर नहीं दे रखा, यानी इसकी वैलेंसी फोर है। लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो हाइड्रोजन के फोर एटम्स इसके अंदर होंगे। जब फॉर्मूलाज बनाएंगे तब मैं आपको ये चीज़ें और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। हाइड्रोक्साइड ओ एच नेगेटिव, ओके। नाइट्रेट एन ओ माइनस थ्री, मतलब नेगेटिव होती है इसकी और नीचे थ्री लिखा हुआ है, तो इसको हम और अच्छे से सीखेंगे। हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट एच सी ओ थ्री, ये नेगेटिव कार्बोनेट, कार्बोनेट तो सी ओ टू नेगेटिव और ये थ्री। इसके बाद सल्फाइट, मैंने भी आपको बोला था ना सल्फाइट और सल्फेट सीखेंगे, ये क्या है आपका सल्फाइट, तो सल्फाइट होगा तो क्या होगा यहाँ पर टू, क्योंकि आपने सल्फाइड में पढ़ा था एस की टू, तो जब हमारा सल्फाइट आएगा तो एस ओ टू और नीचे हमारा आएगा थ्री, ओके, और ये टू इज नेगेटिव। इसके बाद है आपका सल्फेट, सल्फेट तो ये हो जाएगा एस ओ टू नेगेटिव और ये फोर। एंड लास्ट वन इज फॉस्फेट, फॉस्फेट पी ओ थ्री नेगेटिव फोर। देखो अब इनको हम करते कैसे हैं, इनके केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट टू में सिखाऊंगी, बस हल्का सा एक एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे सबसे इजी है इसका, अगर मैं आपको बोलूँ कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखो तो यू इजीली राइट CaCO3, लेकिन ये कैल्शियम कार्बोनेट बना किससे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो कि हमको इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स यूज़ करने पड़े। तो देखो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम आपको कब पता चला, जब मैंने आपको 20 एलिमेंट्स बताए थे, कितने नंबर पे आता है 20 नंबर पे आता है, फॉर्मूला क्या होता है इसका Ca, सिंबल Ca, 20 नंबर पे आता है, दैट मीन्स इसकी वैलेंसी क्या है 2 पॉजिटिव। कार्बोनेट का हमने अभी करा है CO2 3, 2 नेगेटिव, ये कैंसिल आउट हो गए, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया एंड द फॉर्मूला इज CaCO3। इसी तरीके से मैं आपको एटलीस्ट 20 to 30 फार्मूलाज बनाना सिखाऊंगी नेक्स्ट स्लाइड में। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।